हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्हेनियस की एसिड बेसिस थ्योरी को, और उसको समझने के लिए हम आयोनिक कंपाउंड को देखेंगे और डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड को देखेंगे, तब हम आर्हेनियस की एसिड बेस थ्योरी को डिटेल में समझ पाएंगे। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड और बेस एंड सॉल्ट्स है क्या, एसिड के बारे में पूरा पूरा समझेंगे, बेस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। तो आइए बेटा हम समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही कि बेटा एसिड्स नॉर्मली उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसका टेस्ट खट्टा हो, जिसका टेस्ट सार हो, खट्टा हो, और बेस उसको बोलते हैं जिसका टेस्ट कड़वा हो, बिटर हो, है ना भाई, और सॉल्ट उसको बोलते हैं जिसका टेस्ट नमकीन हो, सॉल्ट। अगर मैं बात करूं मैटर की, मैटर क्या होता है बच्चों? मैटर मतलब सर दुनिया का हर वो चीज जिसमें वजन हो और जो जगह छेके। ये मार्कर मैटर, आप मैटर, मैं मैटर, कैमरा मैटर, माइक मैटर, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वजन हो रहा है और ये कुछ ना कुछ जगह छेकता है। और इस मैटर को, इस सब्सटेंस को साइंटिस्टों ने दो कैटेगरी में बांट दिया, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर। प्योर एयर, प्योर एंड इम्प्योर, मैं पहले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुका हूं। प्योर सब्सटेंस में आता है बेटा हमारा एलिमेंट एंड कंपाउंड, और इम्प्योर में आता है मिक्सचर, मतलब मिलावट, कोई भी चीज का मिक्सचर, है ना, जैसे नमक पानी, ये हो गया मिक्सचर का एग्जांपल। और एलिमेंट तो हम जानते हैं बेटा, टोटल 118 एलिमेंट की डिस्कवरी अभी तक हो चुकी है, 118 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो चीज होते हैं जिनको तोड़ने पे सेम चीज मिले, जिनको तोड़ने पे सेम चीज मिले। मतलब सर जैसे लोहा, लोहा यानी कि आयरन Fe, मतलब आयरन के कितने भी टुकड़े टुकड़े करो वहां से सोना या चांदी नहीं मिलेगा बल्कि आयरन ही मिलेगा। मतलब आयरन का एटम आयरन ही होगा। एटम क्या होता है? किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट जिसको हम देख नहीं सकते, है ना। तो हम काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, कॉपर को तो कॉपर ही मिलेगा, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ही मिलेगा। ये नहीं कि आप लोहे को काटोगे तो सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगा। मतलब एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। ऑलरेडी हम जान चुके हैं बेटा, पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है? ये सारे एलिमेंट्स हैं। उसके बाद बात आती है कंपाउंड की। कंपाउंड मतलब क्या? एलिमेंट से मिलकर, दो एलिमेंट से मिलकर जो चीज बनता है उसको कंपाउंड बोलते हैं, और उसका एक फिक्स रेशियो होता है, उसका एक फिक्स रेशियो होता है, उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेटा आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं वाटर, ये वाटर क्या एक कंपाउंड है, इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है। ये इन दोनों की प्रॉपर्टी के जैसे नहीं, इनके अलग प्रॉपर्टी है ना। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो उसकी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है, है ना, उसके अंदर जिस चीज से वो बना हुआ उसकी प्रॉपर्टी दिखाता है, लेकिन ये इसकी अपनी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन बेटा अगर ये गैस फॉर्म में होगा, सॉरी लिक्विड फॉर्म में, तो ये फिल का काम करेगा, फिल, रॉकेट फिल, जो रॉकेट चलता है ना, रॉकेट उसमें हाइड्रोजन फिल लगता है, हाइड्रोजन तेल लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो किसी भी चीज, कोई चीज जल रहा है तो उसमें सपोर्ट करता है और अच्छे से चलने लगेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे लेके जाएंगे तो। और पानी जो है वो आग को बुझाने में काम आता है। मतलब ये बिल्कुल इसकी अलग प्रॉपर्टी है इन लोगों से, इन एलिमेंट से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड, जो दो एलिमेंट से मिलकर बना हो। ये सब चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन क्या है मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं। तो भाई यही जो कंपाउंड है हमारे चारों तरफ रखा हुआ है कंपाउंड, है ना, जैसे ग्लूकोज हो गया, चीनी, सुगर, सुगर तो जानते ही है C11H22O11 फॉर्मूला होता है इसका, सुगर, नमक हो गया NaCl, है ना। अब आपके घर में टॉयलेट क्लीनर होता है, हार्पिक उर्पिक जो होता है उसके अंदर होता है एसिड, उसका फॉर्मूला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तब ये सारे जो कंपाउंड है बेटा हमारे चारों तरफ, उनमें से कोई एसिड है, कोई बेस है, कोई सॉल्ट है। यानी कि उनका नेचर की बात करें तो दे आर एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, सॉल्ट रहेंगे तो न्यूट्रल। मतलब यानी कि जो एसिड बेसिस सॉल्ट है ना वो कंपाउंड का नेचर है। यानी कि कंपाउंड को हमने अपने आसानी से समझने के लिए क्या किया, उसके नेचर के फॉर्म में तीन पार्ट में डिवाइड किया, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आए समझ में? क्या बोला मैंने? जो कंपाउंड है हमारा वो एसिडिक हो सकता है, है ना, कैसे पहचानेंगे? अगर खट्टा हो तो, कड़वा हो तो बेस, जैसे चूना, चूना हमारे आसपास में कंपाउंड है, उस चूना, वो चूना क्या है? बेसिक इन नेचर है ना। हमारा नींबू जो है, नींबू या कर्ड दही, उसका टेस्ट खट्टा होता है, उसके अंदर क्या है भाई? एसिड है। इसके अलावा नमक NaCl सॉल्ट, उसका वो क्या है? नेचर बोलेंगे तो न्यूट्रल। मतलब ना एसिड होगा ना बेस होगा तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल। मतलब ना खट्टा है वो, ना कड़वा है वो, सॉल्टी है। तो इसीलिए उस कंपाउंड को एसिड बेस एंड सॉल्ट में बांटा गया। आया समझ में? तो बेटा हम जानते हैं कि यार ये एसिड बेस सॉल्ट है। अब एसिड बेस में भी हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, यानी कि एसिड के टाइप, तो वहां देखेंगे कि एसिड अलग अलग तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना बेटा वो बहुत खतरनाक होते हैं हमारे लिए, मतलब दे आर करोसिव इन नेचर।
करोसिव मतलब क्या भाई, अगर स्किन पे रखोगे तुम्हारा स्किन जल जाएगा, कपड़े पे रखोगे कपड़ा जल जाएगा, यानी कि वो नुकसान पहुंचा देगा। किसी मेटल के बर्तन में रखोगे, मान लो कॉपर में आपने एसिड को रख दिया, कुछ टाइम बाद देखोगे वो बर्तन ही गायब, मतलब बर्तन नमक बन जाएगा, बर्तन जो है सॉल्ट बन जाएगा, खत्म, वो नमक का ढेर बन के रह जाएगा, वो आपका जो मेटल रहेगा वो गायब, मतलब वो उसको भी नुकसान पहुंचाता है, मतलब मेटल को पूरा खा लेता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को नुकसान पहुंचा दे, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं करोसिव। क्या बोलते हैं? करोसिव इन नेचर, करोसिव। तो भाई ये नुकसान दे सकता है, तो यार हम उसको चख के यानी कि टेस्ट करके कि खट्टा है कि कड़वा है कि नमकीन है, बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल नहीं। पता चला टेस्ट किए टंग ही गायब, जवान गायब। जब पता चले बहुत खतरनाक एसिड हो तो स्वर्ग ही ना सिधार जाओ, भगवान को प्यारे हो जाओ, है कि नहीं? तो भाई वो काम नहीं करना है, टेस्ट नहीं करेंगे कभी भी किसी भी लैब की चीज को, अपन टेस्ट नहीं करेंगे, याद रखना, है ना। और हम जानते हैं बेटा बेस जो होते हैं वो सोपी टच होते हैं, सोपी इन टच, सोपी मतलब स्लिपरी, स्लिप करेंगे, जैसे साबुन स्लिप करता है ना, छूते हैं तो छुएंगे भी नहीं भाई, क्योंकि क्या बोला मैंने, एसिड करोसिव होता है, टच करोगे तो जल जाएगा। बेस भी अगर स्ट्रांग रहा तो वो करोसिव होता है, आपकी स्किन को जला सकता है, स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यार टच नहीं कर सकते उसको, चख नहीं सकते, तो कैसे बताएंगे कि वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है? तो इसी चीज के वो आंसर देने के लिए हमारे यहां आए सेवेंटे आर हेलियस, है ना। मैं सलाम करता हूं साइंटिस्ट को, बहुत बड़ी बात बताई उन्होंने, सेवेंटे आर हेलियस। आइए उनका नाम लिख देते हैं, बहुत प्यारा नाम है, सेवेंटे आर हेलियस। क्या है भाई, जल्दी बोलिए मेरे साथ, ए आर आर है, सेवेंटे आर हेलियस। यस सर, ठीक है। इन 1887 में इन्होंने, एक स्वीडन के रहने वाले साइंटिस्ट थे, इन्होंने बता दिया कि भाई एसिड और बेस को पहचानने का एक अलग तरीका, यानी कि उन्होंने बोला कि जब हम एसिड को पानी में डाल देंगे ना, जब हम एसिड को पानी में डालेंगे, जैसे मान लो मेरे पास कोई दो चीज है, एसिड है बेस है, अब मालूम नहीं क्या, ठीक है, एक एसिड है को बेस है, लेकिन अपने को पहचानते नहीं अपन क्या है, तो अपन क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को पानी में मिलाएंगे। तो पानी में जाने के बाद जो H+ देगा, जो H+ देगा वो एसिड, जो OH- देगा वो बेस। इन्होंने बोला जो H+ देगा वो एसिड, जो OH- देगा बेस। सर ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा आयोनिक कंपाउंड। क्या समझना होगा बेटा? आयोनिक कंपाउंड। तो हम पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में बेटा? आयोनिक कंपाउंड के बारे में। तो यहां पे मैं डिस्कस करता हूं आयोनिक कंपाउंड के बारे में। आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, या आप बोलो रिकैपिचुलेशन, रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है फॉर्मूला का बनना, या आप बोल दो आयोनिक कंपाउंड। रिकैपिचुलेशन, आई छूट गया, ठीक है, रिकैपिचुलेशन, ठीक ठीक। याद कीजिए हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जैसे एक एग्जांपल बताना, पहले चैप्टर में पढ़ा था ना सोडियम, सोडियम का सिंबल जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सोडियम का Na, क्लोरीन का Cl, है ना। तो हमको बोला गया है बेटा सोडियम क्लोराइड आप लिखो। तो याद कीजिए हमने पहले चैप्टर में सीखा है, जिन्होंने नहीं देखा है पहला चैप्टर, या वो जानना चाहते हैं बच्चों, मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, रिकैपिचुलेशन का। तो ये सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का Na, क्लोराइड Cl, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है सर, +1, पढ़ चुके हैं हम पहले चैप्टर में, क्लोरीन की -1। अब इन दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे, तो यहां पे लिखेंगे NaCl, Na के साथ 1, Cl के साथ 1, और 1 हम नहीं लिखते हैं, और ये प्लस माइनस नहीं दिखाते हैं कि प्लस है कि माइनस है, कोई लेना देना नहीं यहां पे। तो ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। उसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड अगर बोला जाए, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का तुमने बताइए सिंबल Mg, वेरी गुड, और क्लोराइड का सर Cl, Mg की वैलेंसी सर +2, क्लोरीन की, क्लोराइड की -1, क्रॉस करेंगे लिख देंगे यहां पे MgCl, Mg के साथ 1, Cl के साथ 2, तो क्या हो गया MgCl2, 1 नहीं लिखते हैं, MgCl2। तो इस तरह बेटा हमने फॉर्मूला बनाना सीखा था, इसी को बोलते हैं रिकैपिचुलेशन, रिकैपिचुलेशन। लेकिन हम समझते हैं कि ये आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड एक्चुअली। देखिए बेटा, ऐसे कंपाउंड्स जो आयन से बने हो, नाम ये आयोनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो आयन से बने हो। सर आयन्स, आयन्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं बेटा आयन्स क्या होते हैं, ठीक।
ये इसको इरेज करो। हाँ चलिए, क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं कि आयन्स क्या होते हैं, क्योंकि हमको समझना है आयनिक कंपाउंड। अब आयन्स को हम लोग रेडिकल्स ही बोलते हैं, इसके ऊपर ये पिछले चैप्टर में मैंने वीडियो बना रखा है, अगर डिटेल में जानना होगा तो देख लीजिएगा, वैसे शॉर्ट में मैं यहाँ पे बताऊंगा ही, ठीक है, देख लीजिएगा कैसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आपके लिए। आयन्स क्या है? आयन्स रेडिकल्स, यानी कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज उसको हम लोग बोलते हैं कटायंस, क्या बोलते हैं? कटायंस। और नेगेटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं अनायंस, अनायंस, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये होते हैं बेटा नेगेटिवली चार्ज्ड, क्या सर? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे उनको हम बोलेंगे कटायन, जो नेगेटिवली चार्ज होंगे उनको हम बोलते हैं अनायन, है ना, ये बात जानते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो इस बात को कि सर ये आयन्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, चार्ज नहीं मालूम है उनको। कोई बात नहीं, देखिए आपको ये तो पता है बेटा मैग्नेट के बारे में कि ये मैग्नेट होता है, ठीक है, मैग्नेट जो हमारा होता है, जो बड़े में बनाता हूँ, ये मैग्नेट है हमारा, ठीक है, मान लीजिए दो बार मैग्नेट है। हम जानते हैं मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। सर कैसे पता चला? अब मैग्नेट को इस तरह बाहर मैग्नेट रहेगा, धागे में बांध दो, खूब जोर से मूव कराओ, तो वो घूमते 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 एक जगह पे आकर रुक जाएगा, किसी एक जगह पे आकर रुकेगा। जिस जगह पे आकर रुकता है ना, उसका डायरेक्शन ही होता है नॉर्थ साउथ, मतलब हमेशा नॉर्थ साउथ में ही रुकता है वो, हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकेगा। ये इसकी टेंडेंसी होती है, क्योंकि हमारे अर्थ में भी मैग्नेट होता है, ठीक है, तो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ही रुकता है, मतलब हमको पता चल गया नॉर्थ। जब हम देखते हैं बेटा तो ये साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं यही कर दूं नॉर्थ साउथ और यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा साउथ नॉर्थ, तो ये दोनों एक दूसरे से भागेंगे, रिपल्सन होगा, दोनों दूसरे से भागेंगे, यानी कि जो सेम पोल है, सेम पोल, वो एक दूसरे से भागते हैं, ठीक है। अनलाइक पोल, एक जैसे पोल है तो इनमें अट्रैक्शन होता है, लाइक पोल्स में रिपल्सन होता है, एक जैसे पोल में रिपल्सन और अनलाइक पोल में अट्रैक्शन। जैसे देख लो ना, बॉयज बॉयज़ के पास नहीं अट्रैक्ट होते हैं, बॉयज़ गर्ल्स के पास अट्रैक्ट होते हैं, है ना। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ यार इसको, नेगेटिव फॉर्म में मत लीजिए आप, है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? मतलब अपोजिटिवली चार्ज क्या होते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसी तरह बेटा क्या हुआ, एक पहचान के लिए, है ना। जैसे देखिए, हम जानते हैं किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये सब बेटा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एटम का शेप स्फेरिकल होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ यहाँ घूमता रहता है, तो बेटा इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना, इस अट्रैक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिजिक्स में उतना नहीं जा रहा हूं मैं, बस जानते हैं एक फोर्स है जिसकी वजह से ये घूम रहा है। तो पहचानने के लिए, इन दोनों को पहचानने के लिए एक नाम दे दिया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। जैसे अभी और इसको और डिटेल में समझाता हूं, जैसे मैं बात करूं बेटा सोडियम की, सोडियम की जल्दी बताइए, सोडियम का एटॉमिक नंबर? सर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। अभी यहां ध्यान दीजिए, यहां पे मैं बना रहा हूं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन किस तरह उसमें होता है भाई, कहां कहां पे होता है, पहला चैप्टर में भी हम देख चुके हैं, है ना, जहां पे हमने वैलेंसी सीखा था। तो देखिए ये हमारा सोडियम है भाई, हम जानते हैं उसके पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके सर, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, है ना, पढ़ा है ना हमने, के में दो, एल में एम, एन में एट, हाँ क्या बना रहे सर, क्या बना रहे, ये क्या बना रहे, के में दो, एल में एट, एम में 18, है ना, बताता ना, के में दो यानी कि इसका नाम के शेल है, के शेल पहला सेल, इसमें दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, दूसरे शेल में, दूसरे शेल को एल बोलते हैं, इसमें एट इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। यानी कि यार सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब क्या सर? प्रोटॉन इज 11, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो एटॉमिक नंबर इज 11, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11, और जितने प्रोटॉन होते हैं सर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए? 11, ठीक है। तो उसी इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, 11 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे आठ, दो देखो, दो चार छः आठ, आठ हो गए, ठीक है, दो आठ कितना हुआ 10, एक और चाहिए, ये इस वाले सेल में आएगा, ये हो जाएगा हमारा 11, ये इसको मिटा रहा हूँ 11, ठीक है। चलिए क्लोरीन कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़े में लिख दो, सोडियम 11, क्लोरीन 17, क्लोरीन का क्या होता है भाई? 17 होता है, चलिए ठीक है। ये क्या हो गया भाई? हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पहले शेल में, जल्दी बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर क्लोरीन जो है ना वो 17 है इसका एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन 17, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? इसके न्यूक्लियस में होते हैं, यानी कि यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे 17 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है, ओके।
इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? वो भी 17 होंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो 17 हमको दिखाना है। ये हो गया हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस वाले में कितना आता है बेटा? सर इस वाले में 8 आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। 2 8 10 कितने चाहिए बेटा? सर 7 और 7 और चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 2 8 10 10 7 17। यानी कि मैं से बोल दूं 2 8 7 2 8 10 17 2 8 1 1 1 है ना। ये तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन किया हमने, है ना। ओके सर, ओके ठीक है। तो बेटा अभी आपको पता है कि हर कोई एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल, स्टेबल मतलब फुलफिल होना चाहता है ना। कोई लेन देन नहीं, कोई कर्ज वगैरह नहीं रखना चाहता है। स्टेबल आप भी चाहते हैं स्टेबल होना, मैं भी चाहता हूँ स्टेबल होना, है ना। मैं स्टेबल होने के लिए पढ़ा रहा हूँ, आप स्टेबल होने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। हमारे बीच में जो रिलेशन है स्टेबिलिटी का रिलेशन है। इसके अलावा हर कोई चाहता है गोरी गोरी प्यारी प्यारी चिकनी चिकनी वाइफ मिले, है ना। आप लोग हंसी ढंग की सर क्या बोल रहे हैं, है ना। और नौकर चाकर मिले, बंगला मिले, स्टेबल होने के लिए यार। नॉर्मल बात है कि नहीं, हर कोई चाहता है। हाँ, आपको अगर लड़कियाँ हों, गर्ल्स हैं तो क्या चाहती हैं? उनको प्यारा सा हाइटेड सा हैंडसम एक हस्बैंड मिले, है ना। और नौकर चाकर मिले, बड़ा बंगला गाड़ी मिले, है ना, स्टेबल होने के लिए यार। उसी तरह ये भी एलिमेंट्स भी स्टेबल होना चाहते हैं। और स्टेबल ये कब होते हैं? जब ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। क्या कंप्लीट करते हैं? ऑक्टेट। ऑक्टेट सर, ये ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट क्या होता है? किधर लिखो, किधर लिखो, यहाँ लिखता हूँ। ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब होता है आठ होना, आठ होना। ऑक्टेट करना चाहते हैं, कंप्लीट होना चाहते हैं, ठीक है। और हमारे पीरियडिक टेबल में, हमारा पूरा जो पीरियडिक टेबल मतलब पूरा 118 एलिमेंट जो बेटा, उस 118 एलिमेंट में ना कुछ अंबानी की औलाद है। हे माने हाँ और करीना चिल्लसरानी। हाँ सर क्या बोल रहे हैं? ये एलिमेंट्स है बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अब ये सब नहीं लगने वाला है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन लगने वाला है, इतना काफी आपके लिए। तो आप देखिएगा ना, हीलियम को तो, हीलियम में तो दो ही होते हैं। आप देखिएगा तो बेटा इसका 2.8 क्योंकि इसके 10 होता है एटॉमिक नंबर। इसका 2.8.8 क्योंकि इसका 18 होता है। आप देखेंगे सबके लास्ट में 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये सब क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो हर एक एलिमेंट चाहता है कि मैं भी इनके जैसा स्टेबल हो जाऊं, मैं भी 8 कंप्लीट कर लूं। मतलब हर कोई चाहता है 8 कंप्लीट करना, स्टेबल होना, ऑक्टेट कंप्लीट करना। ये भी बंदा चाहेगा ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो देखो इसके पास 1 है, ऑक्टेट के लिए 7 चाहिए, 7 और मिल जाएगा तो 8 बन जाएगा, ऑक्टेट हो जाएगा। या 1 किसी को दे देगा तो ऑक्टेट बन जाएगा, है ना। और ये मेटल है, मेटल क्या करता है बेटा? आसानी से इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है क्योंकि ये अमीर होता है यार, रिच होता है। ये इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करता है, देना पसंद करता है। और ये इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करता है, लेना। 7 है देखो ना, इसको 1 ही चाहिए 8 होने के लिए, 1 ही चाहिए 8 होने के लिए, इसको 7 चाहिए। 7 आसानी से मिलेगा नहीं यार, इतना ज्यादा कर्ज कोई देगा नहीं, इतना ज्यादा उधार कोई देगा नहीं। हाँ, ये इसको दे देगा, इसको 1 ही चाहिए, है ना। 99 रुपीज हो गया, 1 रुपया किसी से मांगेगा, 100 रुपीज में सामान खरीदना है, उधार कोई भी दे देगा। तो उसको 7 हो गया, सिर्फ 1 चाहिए, तो ये उधार इसको दे देगा। मतलब ये जो है ना सोडियम बेटा, इस एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा, इस एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा। ध्यान दीजिए, दिस इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, है ना। जब ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया? अभी देखिए, यानी कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो लिख दो 11-1। यहां पे ऐसे लिखता हूं, Na का जो एक इलेक्ट्रॉन था यहां पे, बाद में क्या हुआ, इसने क्या किया, लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। लॉस मतलब देना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लॉस कर दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 11-1, यानी कि कितने हो गए बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसने दे दिया, डोनेट का काम किया, पॉजिटिव काम किया। तो इसको एक साइन दे दिया, एक सिंबल दे दिया प्लस, कि भाई ये लो तुम Na+। देखो समझने के लिए हमने एक चार्ज दे दिया प्लस, जो मैंने बोला, जैसे यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल ऑलरेडी दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या है, कन्वीनियंट के लिए उसको चार्ज दे दिया Na+। चार्ज के बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, डिटेल में देख लेना भाई चार्ज का एक्चुअल मतलब। फिर आप समझो कि कन्वीनियंट के लिए हमने उसको एक सिंबल दे दिया प्लस, इसने दे दिया तो ये हो गया प्लस। और इसी प्लस को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज आयन, दैट इज कटायन। यही है हमारा Na+ इज कटायन। तो अभी देखो, अभी एक और चीज देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 है बेटा, 10 है, यस सर। और प्रोटॉन तो 11 के 11 रहेंगे ना, प्रोटॉन तो यहाँ पे, यहाँ से प्रोटॉन निकल नहीं सकता भाई, उसने इलेक्ट्रॉन दिया है ना कि प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया 10 और प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया। अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो क्या देख रहे हैं, Na पे एक प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा, और प्रोटॉन को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया,
प्रोटॉन को हमने पहले प्लस चार्ज से दिखाया, प्रोटॉन को हमने प्लस चार्ज से दिखाया पॉजिटिव चार्ज, ऐसे भी समझ सकते हो, और इलेक्ट्रॉन को हमने माइनस से दिखाया, है ना। एक तरीका उन्होंने लिया कि भाई प्रोटॉन को प्लस से दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन को माइनस से दिखाएंगे, हमारे समझने के लिए, ताकि आसानी हो, समझ जाए। तो Na पे एक प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन मतलब प्लस, Na पे एक प्रोटॉन ज्यादा, देखो ना ये इलेक्ट्रॉन 10 ही है और प्रोटॉन 11 है, मतलब 10 और 11 में क्या फर्क है, एक प्रोटॉन ज्यादा है, है ना, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया ना, तो बोलेंगे Na पे एक प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन प्लस चार्ज मतलब प्लस। या बोल रहे Na प्लस दान किया उसने, एक दान किया, एक प्लस। अब इस क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन लिख देना, वन इलेक्ट्रॉन भाई, लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन पहले 17 था अब 18 हो गया, कितना हो गया 18। अब इस 18 में और इस 17 में कंपेयर करो, क्या दिखेगा आपको कि यहां पे प्रोटॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, Cl पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को माइनस से दिखाते, या Cl ने एक कर्ज ले लिया तो माइनस हो गया, Cl माइनस, Cl पे एक एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, सोडियम पे एक प्रोटॉन ज्यादा, कैसे भी समझो यार, यही है हमारा कटायंस और अनायंस, कटायंस और अनायंस, डिटेल में बता रखा हूं इसके बारे में, है कि नहीं, कटायंस और अनायंस ये अलग अलग तरीके से होते हैं, ये किसी एटम का हो सकता है या किसी कंपाउंड का भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रेडिकल, इसको बोलते हैं सिंपल रेडिकल, है ना, आपने पढ़ा है भाई पिछले चैप्टर में, SO4 सल्फेट बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल है ना, इसकी वैलेंसी 2- होती है, यानी कि दो गेन करता है ये, इसलिए 2-, है ना। उसी तरह कार्बोनेट, ये भी कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, 2-, उसी तरह नाइट्रेट NO3 कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, 2-, ये सब याद होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, है ना, ठीक ठीक है सर, ओके सर, ओके, सल्फेट 2-, कार्बोनेट 2-, नाइट्रेट, ये सब क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, ओके सर, ओके सर, ओके, चलिए इरेज कर देते हैं, ठीक। तो आया समझ में आपको ये रेडिकल्स, यस सर। तो भाई इस आयनिक कंपाउंड में आपने क्या देखा, आयनिक कंपाउंड मैंने क्या बोला, ऐसे कंपाउंड जो आयन से बने हो, दो तरह के आयन्स, कटायंस और अनायंस, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्मड बाय कटायंस एंड अनायंस, जल्दी बोलो मेरे साथ, आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्मड बाय कटायंस एंड अनायंस, ऐसे कंपाउंड जो कटायंस और अनायंस से मिलकर बने हो, जैसे देखो ये क्या हो गया अभी, ये Na, अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, चलिए यहां देखिए, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये 2, बड़ा 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 खराब डायग्राम बना रहा हूं यार, कोई नहीं यार, आप अच्छे से बना लेना, 2, 4, 6, 8, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, है ना, यानी कि यहां पे जो था, यहां पे कुछ नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन वहां से गायब हो गया, यानी कि ये बच गया भाई 2, 8, यहां पे देखेंगे भाई, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 8, 2, 8 और ये हो गया 8, है ना, ये पहले 7 था, अब हो गया बेटा 8, यानी कि 2, 8, 8, अब ये कहलाएगा Na+, Na पे एक प्लस ज्यादा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, है ना, यानी कि यहाँ पे 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 10 ही है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग Cl-, और इसकी वजह से इसका साइज जो है छोटा हो जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है, खैर उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो Na+, Cl- ने आपस में एक बॉन्डिंग बना ली भाई, हम साथ साथ हैं वाली बॉन्डिंग बना ली भाई, क्या अब हम दोनों साथ साथ हो गए, तुमने भाई हमने दिया, तुमने ले लिया भाई, है ना, अब हम दोनों एक साथ हो गए और साथ हो गए, दोनों भी स्टेबल हो गए और बन गए नमक, NaCl बन गया सोडियम क्लोराइड नमक, और आयन के देखो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, दोनों में एक बॉन्डिंग बन गई, एक फोर्स बन गया, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए, जैसे यहां देखो मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, ये Na और ये Cl एक दूसरे से जुड़ गए, उनके बीच में एक बॉन्डिंग आ गई, है ना, कैसे बॉन्डिंग आई, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को दिया, क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो मेरे साथ, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, या ऐसा बोलो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच का फोर्स, इन दोनों को ये बांध के रखता है, NaCl ये बांध के रखता है, ये बॉन्ड, इसी को बोलते हैं बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन, एक फोर्स, बॉन्ड मतलब क्या, एक फोर्स, एक अट्रैक्शन, जिसके से दोनों बंधे हुए हैं,
तो ये दोनों का अट्रैक्शन जो हुआ, जो दोनों का बॉन्ड बना, किसके बीच वजह से बना? जैसे मेरे और आपके बीच का बॉन्ड क्यों बन रहा है? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, हम दोनों का बॉन्ड बना हुआ है, हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, है कि नहीं? तो भाई ऐसे इनके बीच में बॉन्ड है, है ना, इनके बीच में भी एक बॉन्ड है, इन दोनों ने एक दूसरे को बांध के रखा है, बॉन्ड इज फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है। तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है ये किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। इसलिए बोलता हूं द बॉन्ड विच इज फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बोल दो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायंस एंड अनायंस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायंस एंड अनायंस, या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। कुछ भी बोल दो, कैसे बोलोगे? द अट्रैक्शन फोर्स या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, अट्रैक्शन का फोर्स है ना, दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, करीब आ रहे हैं, हाँ, जिस फोर्स की वजह से आ रहे हैं ना, जिस ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड, यही बॉन्ड, या बोल दो द बॉन्ड बिटवीन कटायंस एंड आयंस, या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड का मतलब क्या है? हम दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, यहाँ पे जो अट्रैक्शन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो रहा है दोनों, है ना, तो उस फोर्स ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायंस एंड अनायंस, या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फटाक से लिखना है, लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायंस और अनायंस, या पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय, विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, is known as ionic bond, khatam. Ab ionic compound, the compound which are made up of cations and anions, aur ye jo compound hai jo cation aur anion se bane hai, is pure compound ko kya bolenge hum log? Ionic compound. To hamara namak kya hai beta? Ionic compound. Sodium chloride kya hai? Ionic compound. Na plus Cl minus kya hai? Jaldi batao, Na plus Cl minus kya hai? Ionic compound. Aur inke beech mein bond kaun sa hai? Ionic bond. Aaya samajh mein beta? Aur ye jo compound hote hai na, ionic compound, ye pani mein bade acche ghul jate hain, पानी में बड़े अच्छे घुल जाते हैं। तो याद रखना, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आयनिक कंपाउंड घुल जाते हैं। जैसे नमक, नमक को पानी में डालोगे नमक घुल जाएगा, घुलेगा ना, तो दिस इज आयनिक कंपाउंड। उम्मीद करता हूं आपको आयनिक कंपाउंड बहुत अच्छे समझ में आ गया बेटा, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक, वेरी गुड। अब ये जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, ठीक है, अब इसमें उसको समझाने से पहले मैं एक बात बता रहा हूं, आप MgCl2 और AlCl3 का आयनिक कंपाउंड, जैसे मैंने यहां किया, इसने डोनेट किया, इसने लिया, उसी तरह आप इस तरह से बना के मुझे ये होमवर्क करके लगेगा। MgCl2, मैं एक हिंट दे रहा हूं, क्लोरीन यहां पे दो है, तो आप क्लोरीन का दो दो स्ट्रक्चर, इस तरह क्लोरीन का दो दो बनाना है, और मैग्नीशियम में दो दो है, तो एक क्लोरीन को एक ही चाहिए, तो एक क्लोरीन को एक, Mg के पास दो होती है वैलेंसी, दो एक्स्ट्रा होता है, तो एक इस क्लोरीन को देगा और एक दूसरे क्लोरीन को देगा, उसी तरह यहां पे कर लीजिएगा, ये होमवर्क कर लीजिएगा समझने के लिए, और ज्यादा अच्छे से इसको जान पाएंगे, नहीं तो आपके टेक्स्ट बुक के लिए, आपके सिलेबस के हिसाब से इतना एनफ है, ठीक है बेटा। ये होमवर्क कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत खुशी होगी मुझे, करने के बाद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको आया या नहीं आया, नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक, ओके भाई, इरेज कर दूं, यस सर। तो हमको क्या पता चला कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। पानी में घुलते कैसे हैं? घुलते कैसे हैं सर? घुलते कैसे हैं? तो चलिए पढ़ते हैं, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब टूटना, किसका? आयोनिक कंपाउंड का टूटना। क्या भाई? सर आयोनिक कंपाउंड का टूटना, ओके, कैसे टूटेगा? तो देखिए, ये जो हमारा नमक है ना, नमक जब हम इसको पानी में घुलाते हैं, है ना, थोड़ा बड़े में यहां पर लिखता हूं, ये जो हमारा नमक है, नमक जब हम इसको पानी में घुलाते हैं, किसमें भाई? वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, वाटर में घुला देते हैं। तो बेटा ये जो है ना, ये सॉलिड रहता है, जानते हैं पाउडर के फॉर्म में रहता है, हमने देखा है ना नमक को, वही खाने वाला नमक यार, टेबल सॉल्ट, उसका ही फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। तो यार जब पानी में रखते हैं ना, तो वो पानी क्या करता है पता है क्या? इन दोनों के बीच में देखो ना बॉन्ड, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ये Na, ये Cl, इसके बीच में बॉन्ड रहता है, तो पानी क्या करता है, इनके बॉन्ड को तोड़ने लगता है, इनके बीच में आ जाता है, Na और Cl के बीच में आ जाता है, ठीक है, बीच में आ जाता है, और बीच में आने के बाद क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ता है, मतलब इस Na प्लस के चारों तरफ पानी रहेगा, H2O, 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 मतलब पानी इस नमक Na प्लस को घेर लेता है और Cl माइनस को घेर लेता है, मतलब इन दोनों को अलग कर देता है, मतलब Na प्लस और Cl माइनस अब हो जाते हैं दूर, अब हो जाते हैं सेपरेट, है ना, लड़का और लड़की के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार, कौन? उसका भाप, है ना,
अब दोनों अलग हो गए, एक नहीं हो सकते। वही पानी यहाँ पे एक दीवार है जो इन दोनों के अट्रैक्शन को तोड़ दे रहा है और वो बन जा रहा है Na+ और Cl-। इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन, टूटना, आयनिक कंपाउंड का डिसोसिएशन होना, आयनिक कंपाउंड का टूटना। तो क्या देखा, आयनिक कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं, पानी में जाने के बाद वो आयन्स में टूट जाते हैं। देखो ना ये क्या हो गया, कटायन कटायन, और ये क्या हो गया, अनायन। पॉजिटिवली चार्ज आयन कटायन, नेगेटिवली चार्ज आयन अनायन। कटायन और अनायन में टूट जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। ये आयनिक कंपाउंड की खासियत होती है, ठीक है। उसी तरह बेटा इस डिसोसिएशन के बेसिस पे जो हमारे आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड वो तीन तरह के होते हैं। आयनिक कंपाउंड तीन तरह के होते हैं भाई। क्या सर, क्या क्या? देखो जो जो पानी में जाने के बाद H+ में टूटेगा, जो आयनिक कंपाउंड पानी में जाने के बाद H+ में टूटेगा वो एसिड कहलाएगा। जो आयनिक कंपाउंड पानी में जाने के बाद OH- देगा वो बेस कहलाएगा। जो पानी में जाने के बाद H+ और OH- के अलावा दूसरा कटायन या दूसरा अनायन देगा वो सॉल्ट कहलाएगा। सर एक बार बताओ कैसे, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं है, एक मिनट लूंगा और उसको इरेज करूंगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया, चलिए इसको इरेज करते हैं, इरेज करते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, मैंने लिया एसिड, एसिड और एसिड को मैं मिला रहा हूं पानी में। आप यहां पे वाटर भी लिख सकते हैं या आप लिख दो AQ। AQ मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब क्या होता है, पानी में, एक्वस। तो एक्वस मीडियम यानी कि पानी में, है ना। पानी में जब हमने इसको बुलाया तो ये देगा H+ और अगर मैं बेस लूंगा और उसको पानी में मिलाऊंगा यानी कि एक्वस मीडियम बोलो या वाटर, तो वो देगा OH-। सर जैसे बताइए ना, जैसे देखें टॉयलेट क्लीन वाला एसिड जानते हैं ना, टॉयलेट घर में जो क्लीन करते हैं, हार्पिक रूपिक जैसा रहता है यार, है ना, उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही ले लेता हूं, बहुत फेमस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या किया सर, हमने इसको पानी में मिलाया, H2O में मिलाया, तो ये देगा H+ में टूट जाएगा और Cl- में, क्योंकि भाई ये कटायन और अनायन है। तो ऐसा आयनिक कंपाउंड जो पानी में जाने के बाद H+ में टूट जाए वो कहलाता है एसिड, और इसी को बोलते हैं आर्हेनियस एसिड की थ्योरी, आर्हेनियस एसिड थ्योरी। आर्हेनियस ने एसिड के बारे में क्या बोला कि ऐसा आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड मतलब जो आयन से बना हुआ, H+ और Cl- से बना, देखो H+ Cl-, और हम जानते हैं आयनिक कंपाउंड जब पानी में जाता है तो आयन से टूट जाता है, लेकिन अगर वो H+ में टूटेगा, पानी में जाने के बाद H+ में टूटेगा तो वो एसिड कहलाएगा। उसी तरह यहां देखिए NaOH, है ना, पानी में जाएगा, क्या बना, जल्दी बताओ, Na+ और OH-, है ना। पिछले चैप्टर में पढ़ा है बेटा, हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नाम है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, और ये सोडियम, और ये क्या होता है भाई, हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, यहां पर लिख रहा हूं मैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन बोलेंगे क्योंकि आयन में टूट गया, हाइड्रोक्साइड आयन, और ये हाइड्रोजन है ना, तो आयन में टूट गया तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक। अभी देखिए, अभी इसको मैं और एक अलग तरीके से लिख सकता हूं, HCl ऐसे लिख दूं, H2O, है ना, HCl और H2O। अभी देखो ये जो हमारा H हो H और ये H2O, H2 और 1 कितना होगा, 2 और 1 3, तो H3 लिख सकता हूं, उसको H3O भी लिख सकता हूं, H3O+ और Cl-, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं Cl-, क्या H3O+ H2 और 1 H3O+ Cl-, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। जो नई किताबें हैं, लेटेस्ट बुक है, उनमें ये भी रहता है बेटा, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब जब आप ये लिखोगे ना H+, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्या, क्या AQ, मतलब ये H+ पानी से मिला हुआ है। देखो ना ये H+ जो था, ये H+ ये पानी से मिल गया है, H+ और H2H3O+ है, तो सिर्फ H+ नहीं लिखेंगे, H+ एक्वस पानी के साथ और Cl- भी पानी के साथ, तो यहां पे Cl- में क्या लिख दूंगा भाई, पानी के साथ एक्वस, H+ भी एक्वस, Cl- भी एक्वस, ऐसे समझ में, इसको बोलते हैं ना हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। और बातें करूं ना तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो आप तोड़ के, HCl+H2O, देखो ये HCl किसमें टूटेगा, H+Cl-, और बेटा H2O जो पानी होता है वो टूटता है H+OH- में, जो हमारा वाटर होता है ना, वाटर वो टूटता है H+ और OH-,
देखो ना H2O H plus OH minus, इसको बोलते हम लोग ऑटो आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मतलब भाई टूटना, आयन्स में टूटना, डिसोसिएशन बोलो या आयनाइजेशन बोलो, आयोनाइजेशन टूटना, आयन्स में टूटना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑटो आयनाइजेशन, अपने आप टूटना। तो कहीं ना कहीं अभी देखो ये जो हमारा एच प्लस और OH माइनस है ना, यही हो गया एच प्लस एच प्लस, ठीक है, और यहाँ से एक एच प्लस, ठीक है, एच थ्री ओ माइनस हो जाता है, एच थ्री ओ प्लस हो जाता है हाइड्रोनियम में, ये ऐसे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि H प्लस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, H प्लस दो है और OH माइनस एक ही है, तो H प्लस ज़्यादा है। अगर मैं बहुत बात करूँ एसिड को, तो एसिड को पानी में डालने के बाद OH माइनस में भी टूटता है। देखो ना एक और चीज़ है कि OH माइनस में भी टूटता है, लेकिन H प्लस क्योंकि ज़्यादा है, और H प्लस अगर होगा तो वह एसिड होगा, है ना, एच प्लस हो गया। देखिए कभी कभी आपको फंसा देगा कि क्या बताओ मुझे कि एसिड को पानी में डालूंगा तो सिर्फ एच प्लस मिलेगा, नहीं, एच टू ओ में से OH भी निकलता है लेकिन वो कम रहता है, H प्लस ज्यादा रहता है, तो H प्लस ज्यादा रहेगा तो एसिड, और OH माइनस ज्यादा रहेगा तो बेस। जैसे देखो NaOH को पानी में मिलाऊं, NaOH को पानी में मिलाऊं, ठीक, Na प्लस OH माइनस H प्लस और OH माइनस। अब यहां देखो OH माइनस ज्यादा, OH माइनस ज्यादा, OH माइनस ज्यादा, तो बेस, ठीक, ऐसा भी समझ लो, या चुपचाप यार H प्लस देगा तो एसिड, OH माइनस देगा तो बेस, दैट्स ओके, आया समझ में। तो ये है आर्हेनियस की एसिड बेस थ्योरी कि भाई पानी में जाने के बाद जो H प्लस देगा वो एसिड होगा, पानी में जाने के बाद जो OH माइनस देगा वो बेस होगा। क्लियर है, क्लियर, गुड। चलो इसको इस पार्ट को इरेज करो। यस सर, यस सर, यस सर, यस। अभी इरेज करने से पहले यहां देख लो ना, एच प्लस OH माइनस के अलावा दूसरे आयन्स में टूटेगा तो सॉल्ट, देखो ये NaCl, ये H प्लस है, नहीं, H प्लस को छोड़ के कोई भी रहेगा और OH माइनस को छोड़ के कोई भी रहेगा तो वो कहलाएगा सॉल्ट। यानी कि ऐसे आयनिक कंपाउंड विच गिव्स अदर देन H प्लस आयन और अदर देन OH माइनस आयन, H प्लस आयन और OH माइनस को छोड़ के कोई दूसरा आयन अगर देता है तो वो कहलाता है सॉल्ट। आया समझ में, H प्लस देगा तो एसिड, OH माइनस देगा तो बेस, और HCl माइनस और कोई अलग देगा तो सॉल्ट। ठीक ठीक ठीक, एक चीज और देखिए, जो भी हमारे बेटा कैटायंस होते हैं ना, Na प्लस हो गया या Mg2 प्लस हो गया या Ca2 प्लस हो गया, जो भी हमारे कैटायंस है ना, कैटायंस, उनको हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल्स। सर ये बेसिक रेडिकल क्यों बोलते हैं, बेसिक रेडिकल यहां पे लिखता हूं, बेसिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल। सर बेसिक रेडिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ना, बेस उसको बोलते हैं जो OH माइनस आयन दे, यानी कि Na के साथ OH है, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH इज हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जिसके साथ आ जाता है वो कहलाता है बेस, बेस। ये समझ में आ गया आर्हेनियस के हिसाब से। तो बेसिक रेडिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही बनाते हैं, ये जो है ना कटायन ही OH के साथ जुड़ते हैं, यानी कि कटायन ही बेस बनाते हैं। देखो ना MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी बैलेंस ही दो होती है बेटा, इसलिए यहाँ पे दो लिखा, और OH की वन, तो वन, Mg की टू, ठीक। उसी तरह ये भी, ये इस बेस का नाम है बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसी तरह देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसकी वैलेंसी टू। तो ये जो कटायंस है ना, ये बेस बनाते हैं, बेस, इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। और जो अनायन होते हैं, जैसे देखो Cl माइनस, Br माइनस, ये अनायंस जो होते हैं, ठीक है, या SO4 माइनस, ये जो भी ले लो, है ना, ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल में अनायंस ही तो है ना, नेगेटिव चार्ज, ये क्या बनाते हैं, ये एसिड बनाते हैं। जैसे देखो HCl एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है भाई, यस सर, यस सर, यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम लोग एसिडिक रेडिकल, है ना। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि कटायन जो होंगे हमारे कटायंस, वो होते हैं बेसिक रेडिकल, और जो हमारे अनायंस होते हैं, अनायंस, वो होते हैं एसिडिक रेडिकल। क्योंकि यही अनायंस क्या कर रहे हैं, एसिड बना रहे हैं, H प्लस के जुड़, H प्लस से जुड़ने के बाद एसिड बना लेते हैं, और ये कटायंस OH माइनस के साथ जुड़ने के बाद बेस बना लेते हैं, इसलिए इनको कटायनिक और सॉरी बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल भी कहा जाता है। आया समझ में बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, यस सर, आगे बढ़िए। ओके ओके ओके, चलिए इस पार्ट को फिर से मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फटाक से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया, ले लिया, ले लिया, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बताइएगा मुझे, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा HCl, चलिए नाम बताइए इसका, नाम बताइए। सर इसका नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ओके। चलो बताओ मुझे ये कौन सा रेडिकल है, एसिडिक की बेसिक
यानी कि इसमें एसिडिक रेडिकल कौन है, एसिडिक रेडिकल, रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल। देखो कभी कभी लिखते टाइम स्पेलिंग मेरा छूट जाता होगा, फास्ट लिखता हूँ थोड़ा मैं, या स्लो बोल लो यार, तो यार माफ़ कर देना यार, है ना, वरना बोलोगे यार सर का देखो गलत निकल गया, मिस्टेक हो गया, है ना। चलो तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, फॉर्मूला HCl, जल्दी बताओ मुझे। H प्लस प्लस मतलब कटायन, कटायन को क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। तो H प्लस क्या है, बेसिक रेडिकल, और Cl माइनस क्या है, Cl माइनस क्या है, जल्दी बताओ क्या है, क्या है, एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। कितना आसान, कितना आसान, बताओ ये एसिड की बेस है, ये भी थोड़ा सा इरेज कर दो, या जाने दो, यहाँ पे काम हो जाएगा थोड़ा सा, मिटाई देता हूँ यहाँ तक, मिटा देता हूँ। चलो अभी देखो, चलो इसका नेचर बताएंगे, एन फॉर नेचर, एसिड की बेस है, H प्लस दे रहा है मतलब एसिड, A फॉर एसिड लिख रहा हूं मैं, एसिड एसिड, ठीक है, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम है इसका सर, सर इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए बताओ SO4, SO4 क्या होगा, अनायन है, और अनायन क्या होते हैं, एसिडिक रेडिकल, तो लिख दो SO4। अब देखो यहां पे दिख भी रहा है 2, मतलब इसकी वैलेंसी 2 ली गई है, यानी कि हम जानते हैं बेटा इसकी वैलेंसी 2 माइनस होती है, जो नहीं जानते वो लिख लेना। इसका नाम होता है सल्फेट, जो नहीं जानते वो लिख लीजिए, इसका नाम होता है सल्फेट आयन, और इसकी वैलेंसी होती है 2, इसलिए लिखते हैं 2 माइनस, इसकी वैलेंसी 1, यानी कि 2 एक लेता है, तो एक लिया जितना लेता है उसको ही उसकी वैलेंसी बोलते हैं, एक लिया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वैलेंसी 1 लिया इसलिए माइनस 1, इसने ये 2 लेता है तो लिया इसलिए 2 माइनस 2 माइनस 2 क्योंकि लेना यानी कि माइनस कर्ज लेना, ठीक है, सल्फेट आयन। और ये एच क्या हो जाएगा बेटा, एच प्लस समझ जाएगा बेसिक रेडिकल, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे 2H प्लस है ना, H2 है 2H प्लस, 2H प्लस, ओके 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 ओके। थ्री थर्ड में और ले लो HNO3 क्या होगा सर, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आप बताइए, NO3 माइनस और इसका H प्लस, खुद से लिखिएगा भाई, H प्लस दे रहा है तो ये भी क्या है एसिड, H प्लस दे रहा है ये भी क्या है एसिड, ठीक है, कर लीजिएगा खुद से, चेंज कर रहा हूं, जैसे एक ले ले रहा हूं भाई H3PO4, ठीक, इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम होता है, क्या नाम होता है, फॉस्फोरिक एसिड, याद रखिएगा इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में इसके बारे में देखेंगे, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ठीक है ठीक है। PO4 फॉस्फेट बोलते हैं उसको बेटा, फॉस्फेट, फॉस्फेट, इसकी वैलेंसी होती है 3 माइनस 3 माइनस, ठीक है। और ये H प्लस कितने यहाँ पे बेटा, 3 है, 3H प्लस, ये वाला आप खुद से कर लीजिएगा, ये भी क्या है एसिड है, एसिड। चलो एक आध बेस ले लेते हैं, उससे पहले एक और एसिड ले लूँ, H3BO3, इसको हम लोग बोलते हैं बोरिक एसिड, क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, और ये टूटता है बेटा H2BO3, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बोरेट, हाइड्रोजन बोरेट, H2BO3 माइनस, और यहां से एक ही एच प्लस निकलता है, मतलब आप सोच रहे हो कि सर यहां पे एक था तो एक निकला, यहां दो था तो दो निकला, यहां तीन था तो तीन निकला, तो सर यहां पे तीन है तो यहां तीन क्यों नहीं निकला, यहां एक ही निकला। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो वहां बताऊंगा कि थोड़ा बहुत बता दूंगा क्यों, हालांकि उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है हमको, कहां 11th 12th में पढ़ना है। ये एक्चुअली होता है मोनोबेसिक, मतलब ये एक ही एच प्लस दे पाता है, इसके पास एक ही एच प्लस देने की ताकत है, इसलिए एक ही एच प्लस देता है ना। डिटेल में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस में थोड़ा सा देखेंगे, और काफी डिटेल में 11th 12th में, फिर भी मैंने बता दिया कि क्योंकि एक ही एच प्लस निकाल पाता है, इसलिए एक ही एच प्लस निकाला इसने, ठीक। चलिए उसी तरह कॉस्टिक सोडा NaOH बोल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेटा इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी बताओ जो भी अनायंस रहेंगे वो है ना OH माइनस, ये हमारे क्या हो गया एसिडिक रेडिकल, और Na प्लस क्या हो गया बेसिक रेडिकल, Na प्लस क्या हो गया, जो भी कटायंस रहेगा वो बेसिक रेडिकल प्लस वाले, ठीक है Na प्लस, आया समझ में, Na प्लस OH माइनस, ठीक है। OH माइनस दे रहा है, जल्दी बताओ एसिड की बेस, सर ये तो बेस हो जाएगा क्योंकि ये क्या दे रहा है, ये सब एसिड है, एसिड एसिड लिख लेना, ये फॉर एसिड और ये बेस, ठीक 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 ठीक। चलो NaCl NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक, क्या देगा Na, सॉरी 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 अनायन लिखना ना, Cl माइनस और यहां पे Na प्लस, ना H प्लस दे रहा है ना OH माइनस दे रहा है, मतलब ये सॉल्ट है, मतलब सॉल्ट है, पहचान लोगे, अरे आपके टेक्स्ट बुक में
महाराष्ट्र बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसमें पहले पेज पे दिया हुआ है। क्या दिया है सर? तो पहले पेज पे ये दिया हुआ है आपको करने के लिए। तो फटाक से आप और भी क्वेश्चंस वहां पे रहेंगे वो फटाक से आप कर लीजिएगा, वो होमवर्क रहेगा। प्लीज कर लीजिएगा, वो होमवर्क रहेगा। ठीक है, कर लीजिएगा। कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, ये तो हमने देख लिया अभी एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट। एच प्लस देगा अगर पानी में जाने के बाद तो एसिड, ओ एच माइनस देगा तो बेस, और एच प्लस ओ एच माइनस को छेद के कुछ और देगा तो वो होगा सॉल्ट, है ना। सॉल्ट, सॉल्ट की बहुत सारी फैमिलीज हैं, है ना। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ MgSO4, तो ये सल्फेट फैमिली, ये सॉल्ट हो गया। देखो ना, एच प्लस है ना ओ एच माइनस है, मतलब सॉल्ट हो गया। CaNO3, Ca की वैलेंसी 2 होती है इसलिए 2 लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। AlPO4, एल की वैलेंसी 3PO4 की, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, फॉस्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, इसको बोलेंगे सल्फेट फैमिली। जैसे मान लो यहाँ पे बोल दो CaSO4, Na2SO4, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो ये सब सल्फेट फैमिली के सॉल्ट हो गए। और यहाँ बोलो NaNO3, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट ये, और ये सोडियम नाइट्रेट, कौन सी फैमिली हो गई, नाइट्रेट फैमिली, है ना। ले CaPO4, यहाँ पे सी की वैलेंसी 2, PO4 की 3, इन दोनों की 3 थी इसलिए 3-3 कैंसिल हो गया था। देखो ना, इसकी 3 कैंसिल हो गया। पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं यार ये सब, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अगर जानना रहेगा डिटेल में। तो जरा MgPO4, Mg की 2, फॉस्फेट की 3, ये हो गया फॉस्फेट फैमिली। उसी तरह क्लोराइड फैमिली NaCl, MgCl2, CaCl2, ये सब क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्लोराइड फैमिली। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। तो आप काम क्या काम करना, इसके भी आयन्स तोड़ना, यहाँ पे जो तोड़ा है उस तरह इसके भी आयन्स तोड़ना। क्लियर है? यस सर। यानी कि हमने एसिड बेस सॉल्ट को सर डिटेल में थोड़ा थोड़ा समझ लिया है। अब देखो एक चीज और, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, हाँ, या फिर या बोल दो आप आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि मैं बोल दूं आईसी मतलब आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। सर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिससे करंट बहे, जिससे करंट बहे। जैसे देखो क्या करना, आप एक बीकर ले लेना, एक बीकर आप ले लीजिएगा बेटा। ओके सर, ले लिया हमने, ठीक है। उसमें क्या कीजिए, यहाँ पे एक दो रॉड ले लीजिए, ठीक है। यहाँ ऐसे दो रॉड ले ले रहा हूँ, ठीक है, ले लिया, ले लिया, यस सर। अब इन रॉड में करंट लगा दो, वायर लगा दो, वायर, ठीक है ठीक है। इस रॉड को हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोड, इस रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, है ना। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, वहाँ पर थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं क्योंकि इस रॉड से करंट बहता है। करंट कब दौड़ेगा? जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, है ना। जैसे जो भी मेटल्स होते हैं हमारे गुड कनेक्टर होते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब गुड कनेक्टर होते हैं, और इसी का वायर बनता है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो करंट दौड़ेगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से भाई इसको इलेक्ट्रॉड बोलते हैं, ये कार्बन का रॉड है, ठीक है। मान लो किसी कार्बन का रॉड है, ये कार्बन गुड कनेक्टर होता है बेटा, कार्बन जो होता है वो गुड कनेक्टर होता है। ग्रेफाइट पेंसिल में देखो होता है कार्बन का बना हुआ ग्रेफाइट, है ना, वो गुड कनेक्टर होता है। अगर आप पेंसिल को दो तो फिर शार्प कर दें और वहाँ से रबड़ लगा दो, सॉरी वायर लगा दो, वायर लगा के कोई चीज़ बल्ब वगैरह जलाओ, बल्ब वगैरह बैटरी लगा के, तो वो जलेगा। बचपन में क्या रहेगा, छोटी बात है ये, खैर जाने दीजिए। हमने रॉड लगाया वहाँ से करंट यहाँ पे, ठीक है ठीक है। यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं बैटरी, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। हम जानते हैं करंट प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि प्लस पे जाएगा और माइनस की तरफ आएगा, ठीक है ठीक है। यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है, ठीक है। और इसके अंदर हमने भर दिया भाई पेन थोड़ा चेंज करो, पेन ब्लू ब्लू सही रहेगा। हमने भर दिया है NaCl का सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन, ठीक है। हम जानते हैं NaCl किस में टूटेगा, NaCl टूटेगा Na+Cl- में, आयन्स टूटेगा। आपको पता है आयन्स आर गुड कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आयन्स इलेक्ट्रॉन को कैरी करने बहुत अच्छे होते हैं। आयन्स क्या करेंगे, तुरंत इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे और भागेंगे, दौड़ेंगे। और ये जो आयन्स होते हैं कैटायन्स और अनायन्स, ये गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब यहाँ से करंट आसानी से बहेगा। तो जैसे ही करंट यहाँ से आया प्लस से, टैंटेड इसमें आया। अब देखो ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, उसके बाद भी करंट ये पानी के थ्रू, जो सॉल्यूशन है NaCl का, ये आयन्स के थ्रू करंट यहाँ जाएगा, और यहाँ जाने के बाद टैंटेड है, बल्ब हमारा हो जाएगा ग्लो, बल्ब तुरंत जलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी की जगह डाल दो ग्लूकोज, यही चीज आप घर पे कर सकते हो, प्रैक्टिकल आपको टीचर्स कराएंगे, आप इसके जगह पे ले लो ग्लूकोज C6H12O6,
या चीनी वालों में चीनी सुगर, यस सर, C11H22O11 ये ले लो, सुगर ले लो, या अल्कोहल ले लो, अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, इस अल्कोहल का नाम है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, मतलब कोई भी ले लो, लेकिन ये सब करोगे तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ये सब आयन्स में नहीं टूटते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये अल्कोहल टूट जाए C2H5O- और H+, ऐसा नहीं होता है, यहां से ये H+ निकलता ही नहीं है, तो जब आयन्स नहीं टूटेगा तो आयन्स गुड कनेक्टर होते हैं, तो वो करंट वहां से नहीं बहेगा, और जब करंट नहीं बहेगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो यहां पे देखो ना, इस आयन्स के जरिए करंट इस रॉड से लेके इस रॉड पे पहुंच गया था, फिर करंट दौड़ दौड़ के ये जला दिया, लेकिन जब यहां पे इसमें कोई आयन्स नहीं रहेगा तो करंट यहां से यहां आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पे कोई हमने वायर तो नहीं लगा रखा है कि यहां से यहां आ जाए, तो करंट बहेगा ही नहीं। आया समझ में? तो हमने क्या, इसको बोलते हैं हम लोग, ये सबको बोलते हैं हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जिनके जरिए करंट ना फ्लो हो। ये डालेंगे हम लोग, जैसे NaCl डाला हमने तो करंट बहेगा, कोई भी आयनिक कंपाउंड, क्या लिखा मैंने, आयनिक कंपाउंड, चाहे वो एसिड हो या बेस हो या सॉल्ट हो। आपने नमक डाल के किया, आप एसिड डाल के देखना, HCl डाल के देख देना, या सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, बैटरी एसिड बैटरी में रहता है, वो डाल के देख लो, चूना डाल के देख लो, चूना बेस होता है, तो सारे के केस में ये बल्ब जलेगा, एसिड ले लो, बेस ले लो, सॉल्ट ले लो, क्योंकि ये सब आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड के टाइप है, एसिडिक, बेस और सॉल्ट, लेकिन इनमें नहीं चलेगा। तो इससे ये पता चला कि हर कंपाउंड, जो हर एक कंपाउंड होगा एसिड, उसमें होगा हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड H+ देता है, यानी कि एवरी कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन इज एसिड, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन इज एसिड। हाँ सर, क्या समझा, यानी कि जरूरी नहीं कि सारे के सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो वो एसिड हो। ये H+ दे रहा है क्या? नहीं। ये H+ दे रहा है क्या? नहीं। H+ नहीं दे रहा, मतलब आयन्स नहीं दे रहा, बोला ना मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आयन्स नहीं दे रहा। ये H+ दे रहा है क्या? नहीं। इन तीनों में हाइड्रोजन है लेकिन H+ नहीं दे रहा है, मतलब ये एसिड नहीं है। तो जरूरी नहीं कि हर एक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो वो एसिड हो, लेकिन ये जरूरी है कि हर एक एसिड में हाइड्रोजन होता है और वो H+ देता है। जो भी एसिड ले लो, H2SO4, HCl, HNO3, H3PO2, देखो सब में हाइड्रोजन है, तो सारे ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन एंड गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर, बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑल कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन गिव्स H+ और आर एसिडिक इन नेचर। जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो कंपाउंड हो वो उसके पास हाइड्रोजन होगा तो वो एसिड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखा हमने, हाइड्रोजन है लेकिन एसिड नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी एसिड है उनमें हाइड्रोजन भी है और वो H+ भी दे रहा है, लेकिन हर एक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होगा वो H+ नहीं देगा। तो ये थी एसिड बेस सॉल्ट की कहानी, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट को देखा, एसिड बेस सॉल्ट को डिटेल में जाना। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया मैं समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन बहुत काम की बात की है, बहुत काम की बात। आर्हेनियस की एसिड बेस थ्योरी को आपके लिए मजाक बना दिया है मैंने, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में और समझेंगे यार एसिड बेस सॉल्ट को, ये जो इन्होंने बताया आर्हेनियस ने, ये तो एक केमिस्ट्री कर पाएगा कि पानी में डालेगा तो H+ देगा, उसको हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कि H+ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, OH- दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हम नहीं पहचान पाएंगे, तो हमारे लिए तो ये यूज़ में नहीं आएगा। तो फिर साइंटिस्टों ने एक अलग तरीका अपनाया, इंडिकेटर बनाया कि भाई एसिड में डालोगे तो ये कलर आएगा, बेस में डालोगे तो ये कलर आएगा, उसमें मजा आएगा। लेकिन वहां तक जाने के लिए हमको एसिड और बेस के बारे में कुछ और चीज़ें पता करनी होगी। जैसे पहले हम समझेंगे कि एसिड कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ बेस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़ लेंगे। जब एसिड बेस सॉल्ट को और जानेंगे, इसके टाइप्स पढ़ लेंगे, फिर उसकी खास खास बात जानेंगे, प्रॉपर्टीज कि एसिड बेस की और क्या क्या खास बात है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि सारी चीज़ जान पाएंगे तब उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि भाई एसिड में डाल रहे हैं तो ये हो रहा है, बेस में डाल रहे हैं तो ये हो रहा है। तो हम इंडिकेटर पढ़ेंगे और pH पढ़ेंगे, वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।